30 लाख का टॉप प्राइज या आखिरी राउंड था जहां आप ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा कर सकते थे, आपने कितना बैंक किया? क्या लगता है साना? अच्छा खासा किया होगा। 2 लाख। पहले के आपके 10,10,500, अभी के 1 लाख, टोटल 11,10,500 रुपए आप लेकर राउंड 9 में आए हैं। राउंड 9 किस तरह खेलेंगे, फॉर्मेट क्या होगा, मैं आपको सब समझाऊंगी अब। राउंड 9 बड़ा आसान है, 1 से 8 तक के जो राउंड थे उस तरह बिल्कुल नहीं खेलना, पास कहने की गुंजाइश नहीं है, गलत जवाब देंगे तो अपना ही लॉस करेंगे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आप दोनों, आपको पता है किस अमाउंट के लिए खेल रहे हैं? 11,10,500 की जंग लड़ रहे हैं आप, जो जीतेगा उसको ये अमाउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है थोड़ा सा, अगर विनर 1.5 मिनट के अंदर डिसाइड हो जाता है तो यही अमाउंट बोल्ट टेलीविजन नेटवर्क 3 गुना बढ़ा देगा, मतलब 33,31,500 रुपये। अब आपकी किस्मत आपके हाथ में, अगर 1.5 मिनट के अंदर ये सारी सिचुएशन हो जाती है, विनर अनाउंस हो जाता है, तो आप बड़ा वाला अमाउंट लेके जाएंगे, वरना 1.5 मिनट से ऊपर चली जाती है तो आप जो अमाउंट घर लेके जाएंगे वो है 11,10,500 रुपये। सो आर यू रेडी टू प्ले राउंड 9? Yes. डरी हुई है सना? Yes. क्या करेंगे अमाउंट से अगर जीत गई? अगर मैं जीत गई तो मेरा एक एम है कि जो लेडीज वर्किंग वुमेन्स होती हैं उसके साथ साथ हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ पे जाके वो दिल खोल के किसी से शेयरिंग कर सके। जैसे भी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हम एक मास्क लगा के जाते हैं, बिल्कुल, तो मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहती हूँ जहाँ पे वो मास्क ना हो, बिल्कुल हम ओपन माइंडेड होके अपनी जो भी दिल की बात हो, जो चीज हो, वो हम वहाँ पे खुल के बोल सकें, और हमें ये हो कि हम अगर यहाँ पे कोई बात कर रहे हैं तो उसका कोई रद्द अमल नहीं आएगा, मतलब जो भी है हम यहाँ पे चिल आउट करेंगे। ओह लवली जी अयाज। मैम अगर मैं ये अमाउंट जीत जाता हूँ तो मेरी नज़र में 3 लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके सर पे कोई नहीं है, माँ बाप उनके इंतकाल कर गए और उनकी शादी करने वाला कोई नहीं है, तो फिर मैं अपने घर से यही जहन लेकर आया था कि अगर ये अमाउंट मैं जीत जाता हूँ या मैं कोशिश करके यहाँ से कुछ ले जाता हूँ तो मैं उनकी शादी में उनकी हेल्प आउट कर सकूँगा, और ये भी मुझे पता है कि वो लेंगे नहीं, लेकिन उनको किसी ना किसी तरीके से मैं कन्वेंस करके वो अमाउंट उन तक के पहुँचा दूँगा ताकि वो इजीली अपनी बेटियों की शादी करें। व्हाट अ लवली थॉट। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बोल्ट टेलीविजन नेटवर्क के जरिए, हमारे जरिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म, हमारे शो आखिरी खिलाड़ी कौन के जरिए अगर हम ज़रा भर भी किसी की मदद कर पाएँ तो, लेकिन मेहनत सिर्फ सिर्फ आपकी होती है, तो फिर आप में से कोई एक होगा आखिरी खिलाड़ी जिसकी है हमें तलाश। ये राउंड सना आपसे शुरू करेंगे, 1.5 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। क्या आप बता सकती हैं कि चेस के बोर्ड में कितने व्हाइट बॉक्सेस होते हैं? 34। करेक्ट। अयाज, किस ब्रिटिश एक्शन एक्टर ने फिल्म द एक्सपेंडेबल्स में सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ ली क्रिसमस का किरदार अदा किया? ऑथोमन। गलत जवाब, जेसन स्टेथम। सना, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस के मुसन्निफ कौन है? स्टीफन हॉकिंग। करेक्ट। फेमस ब्रिटिश फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग कितने साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे? 76 ईयर ओल्ड। करेक्ट। सना, सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क कौन सा था? चाइना। गलत जवाब, जापान। 1923 से पहले टर्की को क्या कहा जाता था? द ऑटोमन एम्पायर। करेक्ट। किस फिलोसोफर को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है? जॉन लॉक। करेक्ट। यहाँ हम वक्त को पॉज करते हैं, देखते हैं अभी आप लोग की सिचुएशन क्या। साना, सामने स्क्रीन आपकी होगी जहाँ आपके नाम के आगे टिक और क्रॉसेस होंगे, मुझे बताएं आपके नाम के आगे कितने टिक हैं, कितने सवाल पूछे गए हैं आपसे? 4। कितने टिक हैं? 3। यानी 3 सही जवाब, 1 गलत। अयाज, आपके नाम के आगे कितने सवाल पूछे गए हैं? 3। 3 सवाल पूछे आपसे, कितने सही जवाब? 2। कितने गलत जवाब? 1। 1। चौथा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अब हो सकता है कि ये आपके फेवर में चले जाए या फिर आपको डुबा दे। अगर आप दोनों सवाल के सही जवाब देते हैं जीत जाएंगे, अगर साना 1 गलत देती है तो साना अयाज जीत जाएंगे, आप हार जाएंगे। अयाज, अब आपकी बारी है, वक्त को रिज्यूम करते हैं। अयाज, हिरोशिमा पर गिरने वाले एटम बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय। करेक्ट। सना, पाकिस्तान के पहले स्टैम्प टिकट का डिजाइन किसने बनाया था? अब्दुल रहमान चकई। करेक्ट। पाकिस्तान के 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं? बाजवा। गलत जवाब, जनरल आसिम मुनीर। जी सना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अयाज ने दिया गलत जवाब, तो अमाउंट लेके जा रही हैं आप, लेकिन सवाल
ये बनता है कि अमाउंट कौन सा आप लेके जा रही है। ये जो सिलसिला है विनर अनाउंसमेंट का, ये विनर जो डिसाइड हुआ है वो डेढ़ मिनट के अंदर, यानी डेढ़ मिनट के अंदर अगर होता तो आप लेकर जाती 33,31,500 रुपये। लेकिन क्योंकि ये फैसला हुआ डेढ़ मिनट के बाद, तो आप जो अमाउंट घर लेके जा रही हैं वो है 11,10,500। कंग्रेचुलेशंस, आप हैं वो आखिरी खिलाड़ी जिसके लिए हमने राउंड 1 से लेकर राउंड 9 तक का सफर तय किया। बड़ी बात है, नॉट बैड अयाज, यू प्लेड वेल। इसके साथ आज का हमारा एपिसोड यही इख्तिताम पे आया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मदीरा। आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. Get down! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।